गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आज है संडे और अभी बज रहा है दिन का 1:15। और मैं ना अभी कॉर्न्स खा रही हूँ थोड़े से, क्योंकि मैंने अपना फास्ट ब्रेक किया था 12 बजे और मैंने एक फ्रूट खाया था। उसके बाद मैंने थोड़े से 2-3 अंडे खाए और ये अभी कॉर्न्स खा रही हूँ। थोड़ा सा भूख लग रही थी मुझे। मैं डायरेक्टली खाना खाऊंगी। खाने में चिकन है और रोटी होगी, और या तो मैं चीला बना के एक ज़रूर खाऊंगी। बड़ा टेस्टी लग रहा है मुझे वो चीला वगैरह। मेरा सारा काम सुबह ही हो गया था। मतलब मैं 9:30 बजे 10 बजे करीब नहा वाली थी, तो सारा घर भी सब समेट लिया था। जाले वगैरह साफ़ करी थी, वो भी सब साफ़ हो गए। अब मैं सुकून से बैठी हूँ, बस लंच का वेट कर रही हूँ कि जल्दी से टाइम आया और मैं खाना खाऊँ। कल जो मैंने डिनर किया था वो आप वीडियो देख लीजिए। मैंने ओट्स का चीला बनाया था। कैसे बनाया था वो आप देखिए, और अगर आप चाहते हैं बनाना तो आप खा सकते हैं। इतना टेस्टी बना था कि मैं क्या ही बताऊँ। मतलब पहली बार ऐसा था कि ओट्स की कोई चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आ गई है, तो वो बहुत ज़्यादा टेस्टी था। तो आप वो देखिए जब तक। और हाँ, चैनल पर नहीं सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो पसंद आए लाइक और शेयर करिएगा। तो चलिए जल्दी से वो चीला देखिए, उसके बाद शुरू करते हैं ब्लॉग। मैं बनाने जा रही हूँ ओट्स का चीला। तो मैंने लिया है ओट्स और लिया है थोड़ा सा बेसन। अब इसमें मैं थोड़ा सा प्याज मिर्च मसाले सब मिलाऊंगी। और ये हो गया है बैटर रेडी। इसमें मैंने हरा धनिया, हरी मिर्च, प्याज और जिंजर गार्लिक पेस्ट भी मिलाया है। अब मैं थोड़े से ऑलिव ऑयल में इसको बनाऊंगी। मुझे देखना है कि ओट्स का चीला कैसा बना है। थोड़ा धीरे बोलूँ कि असर सो रहा है। तो ये बहुत ही हेल्दी है और पहली बार मुझे कुछ ओट्स का पसंद आया है। बहुत टेस्टी बना है, पेट भर जाएगा मेरा। मैं इसको आराम से एंजॉय करती हूँ। सो गाइस, अभी शाम हो गई है और आज मैं दिन भर व्लॉग नहीं शूट कर पाई क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बिजी थी और फिर सो गए थे हम लोग। तो अभी मैं जा रही हूँ चाय बनाने मसर के लिए, और आज मैं आपको दिखाऊंगी कि कमामी सेवई कैसे बनती है। तो आज मैं कमामी सेवई बनाने जा रही हूँ। मैंने ईद में जो सेवई बनाई थी वो थोड़ी सी डिफरेंट थी, लेकिन आज मैं कमामी सेवई बनाने जा रही हूँ। जो प्योर कमामी सेवई होती है ना, वो बनाने जा रही हूँ और आपको दिखाऊंगी, सिखाने वाली हूँ कि कमामी सेवई कैसे बनती है। मैं तो दूर दूर तक मेरा नाता नहीं है सेवई वेवई से, मैं नहीं खाऊंगी, बट मैं आपको दिखाने के लिए बना रही हूँ कि कमामी सेवई कैसे बनती है। मेरे घर में और लोग हैं, वो खा सकते हैं। तो बस अभी जा रहे चाय बना लेते हैं, उसके बाद मैं सेवई बनाने की प्रिपरेशन करती हूँ। तो सेवई बनाने के लिए मैंने ले लिया है यहाँ पर खोया 200 ग्राम और मेवा ले लिया है। इसको अच्छे से मैंने भून लिया है। भूना इसलिए क्योंकि इसकी शेल्फ लाइफ ज़्यादा हो जाती है। यहाँ पर मैंने पिसे हुए मखाने लिए हैं, हल्का सा दरदरा पीस लिया था, और थोड़े से मखाने नॉर्मल ले लिए। इसको रोस्ट कर लिया है मैंने। सेवई को मैंने भून लिया है अच्छे से, और अब मैं इसमें थोड़ा सा दूध डाल के इसको ऐसे ही रखे रहूँगी, तब तक मैं चाशनी की तैयारी करती हूँ। मैंने भगोने में अभी तो घी और लौंग इलायची डाल दिया है। अब मैं इसकी चाशनी रेडी करूंगी पानी डाल के। मामी सेवई में ये स्टेप बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप सेवई को पहले थोड़े से गर्म दूध में डुबो के रख दो ढक के, उसके बाद उसकी चाशनी रेडी करो, उसके बाद ही उसमें डालो। अदरवाइज़ कुछ कुछ का होता है ना कि जो सेवई होती है ना वो अकड़ जाती है, तो वो नहीं होगा उससे। तो ये आपको हमेशा मामी सेवई बनाते हुए ध्यान रखना है। तो मैंने इसकी चाशनी के लिए इसमें पानी डाल दिया है और इसको अच्छे से पकने देते हैं। इसमें फूड कलर डाल के इसको अच्छे से तार जब तक छुड़ेगा ना ये, तब तक हम इसको पकाएंगे। ये है फूड कलर और मैं इसमें 1 से 2 ड्रॉप डालूंगी। आपके पास अगर पाउडर है तो आप वो भी डाल सकते हैं। बताती हूँ, कमामी सेवई में शुगर बहुत ज़्यादा डलती है, तो वो अगर आप खाते हैं तो ही कमामी सेवई बनाएं, अदरवाइज आप नॉर्मल सेवई बना लें। तो कमामी सेवई मतलब मशहूर इसलिए है कि मीठी होती है, तो मैं इसमें डाल रही हूँ शुगर। शुगर आपको बहुत हिसाब से डालनी है, कम नहीं होनी चाहिए। मैं इसमें आधा डब्बा, ये डब्बा था ना, वो डाल दिया। अब मैं इसको अच्छे से मिक्स करूँगी और इसका एक सिरप रेडी करूँगी। बिल्कुल एक तार जैसा आया ना, बिल्कुल हल्का सा चिपचिपा, उसी स्टेज पे हम डालेंगे इसमें ड्राई फ्रूट्स।
और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और यहीं पर हमने सेवई डाल दी, इसको अच्छे से इसमें मिक्स करेंगे। इस तरह से भी इसको पकने देंगे और इसको ढक के रख देंगे। इस तरह से भी इसको पकने देंगे और इसको ढक के रख देंगे। उधर सेवई बन रही है और एक तरफ मेरा खाना बन रहा है। और यहीं पर हमने सेवई डाल दी, इसको अच्छे से इसमें मिक्स करेंगे। और ये हो गई हमारी सेवई एकदम रेडी। हम इसको एक घंटे के लिए ढक के रख देंगे तो अच्छे से हमारी सेवई का टेस्ट आएगा और चाशनी जो है ना वो इस सेवई में एकदम अच्छे से मिक्स हो जाएगी। आज मैं लेट हो गई हूँ थोड़ा खाना खाने में। अभी मैं चिकन खा रही हूँ और मेरे मटर मैं भून रही हूँ, वो बन रहा है। और क्या खा रही हूँ, अंडे बस। अभी बज रहा है दिन का एक और आज मैं नेक्स्ट डे व्लॉग शूट कर रही हूँ, मतलब मंडे। तो अभी मैं जा रही हूँ अपना लंच रेडी करने। मैं आज बना रही हूँ बीट रूट रोटी। अब मैंने अभी बीट रूट को पीस लिया है, अब उसमें थोड़ा सा आटा मिला के मैं उसको अच्छे से भून लूँगी और उसको आज खाऊंगी चिकन के साथ। अपने लिए स्पेशली लंच बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल लगता है मुझे, बिल्कुल भी पसंद नहीं है मुझे स्पेशली कुछ अपने लिए बनाना। तो अभी मैं बीटरूट रोटी खाऊंगी तो वो ज़्यादा हेल्दी रहेगा मेरे लिए। मैं इस रोटी को बहुत सिंपल नहीं बनाऊंगी कि रोटी बना ली और उसमें नमक डाल के, ऐसा कुछ नहीं करूँगी। मैं इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट मिलाने जा रही हूँ, हरी मिर्चें, थोड़ी सी प्याज और थोड़े थोड़े मसाले मिला के खाऊंगी तो वो ज़्यादा टेस्टी लगेगी। अभी मैंने इसको ऐसे मिक्स कर लिया है, मसाले मिला के इसको भूनते हैं और फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे बन रही है। ये है मेरा आज का लंच, बीटरूट रोटी, रायता, खीरा और ये मेरा चिकन अभी बन रहा है। चिकन बन जाए उसके बाद मैं खाऊंगी। मैंने बीटरूट रोटी बीटरूट की सब्ज़ी के साथ खाया था तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रहा था। और ये मैंने चिकन बनाया था, बड़ा मज़ेदार बना था चिकन। अशर सब इस ड्रॉर से निकाल के फेंक रहा है, बहुत ही उसको मज़ा आ रहा है। ये उसने अपना डायपर फेंक दिया है, पैसिफायर का बॉक्स फेंक दिया है, ये कवर निकाल लिया है, अब ये भी फेंकेगा, सब फेंक रहा है अशर मज़े में है एकदम, सब फेंक रहा है। निकल, उसको सब मौका मिल गया, वो सब गिरा हुआ है, वो बर्ड्स, मेरे बैंड्स, डाइपर, मज़र की दवा थी ये फीवर वगैरह की, वो और वो भी कुछ है, कुशन है, क्या है, सब फेंका हुआ है अभी इस लड़के ने, सब फेंका हुआ है। सामने पाउडर दिख रहा होगा, वो सामने पाउडर है, और ये एक बॉक्स भी फेंका हुआ है, कुछ सब फेंक दिया इसने, दिल खोल के फेंक दिया सारा सामान। फिर मैं समेटूंगी अभी, कम है अशर। और मुझे इतनी तेज़ नींद आ रही है इस टाइम, इतनी ज़्यादा नींद आ रही है। जब अशर सो रहा था तो मुझे नींद नहीं आ रही थी, अब अशर जाग गया और मुझे बहुत तेज़ नींद आ रही है, इसलिए मैंने अशर को वॉकर पे छोड़ दिया है कि अगर मेरी आग भी लग जाए तो वो सेफ़ है, क्योंकि बेड में फिर मुझे बहुत डर लगा रहता है कि वो गिर ना जाए और ऑल दैट। अभी ये क्या निकाल लिया इसने, अपना बिब निकाल लिया, वो भी फेंक रहा है। तो मैंने अभी ना अपने शाम का स्नैक्स भी नहीं लिया, 6:30 बज रहा है और मैं सो गई थी अशर के साथ ही, अशर सोया तो मैं सो गई, थक गई थी काफ़ी ज़्यादा। तो बस अभी थोड़ा सा काम करने जा रही हूँ। आज मैंने डिसाइड किया था कि मैं कुछ नहीं करूँगी, पहले मैं आराम करूँगी। मेरे कपड़े रखे हुए हैं, सब फैलाना है, अभी तक मैंने फैलाया नहीं है, आज बिल्कुल मन नहीं करा था। कभी कभी ऐसा होता है कि आपका मन नहीं करता है तो नहीं मन करता है, और मेरा ऐसा है मेरा मन नहीं करेगा तो मैं नहीं करूँगी, ऐसा रहता है मेरा। मुझे अपने को भी टाइम देना होता है, तो आज मैंने थोड़ा सा अपना आराम किया, अब मैं कपड़े वगैरह फैला लूँगी। 10 मिनट लगेंगे मुझे काम करने में, सारा 10 मिनट में सारा काम हो जाएगा मेरा। तो खैर अभी थोड़ा सा अगर मन करेगा कुछ खा लेती हूँ, दिल तो कर रहा है कुछ खाने का, क्योंकि फिर डिनर, उसके बाद मैं कुछ नहीं खाती हूँ 8 बजे के बाद, जैसे मैंने पिछले वीडियो डाली थी। तो आप अग्नि अगर नहीं देखा है मेरा डाइट जो मैंने फॉलो कर रही हूँ, वो आप जाके देखिए। तो आज मैंने बीटरूट रोटी खाई थी, तो
तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी थी। बीटरूट बीटरूट सब्ज़ी के साथ मैंने खाई थी तो वो बहुत ज़्यादा टेस्टी मुझे लगी पर्सनली। तो अगर आप भी चाहते हैं, अगर वेट लॉस करना चाहते हैं, तो ये सारी डाइट अगर आप फॉलो करेंगे, इंटरमिटेंट फास्टिंग एक बहुत अच्छा तरीका है आपका वेट लॉस जल्दी होने में बहुत हेल्प करता है, तो वो आप कर सकते हैं। तो आज मैंने चेस्ट किया था तो पेन हो रहा है, थोड़े से एब्स भी किए थे, तो अभी थोड़ा सा काम वगैरह कर लेते हैं, उसके बाद मैं थोड़ा सा स्नैक्स खा के लेट जाऊंगी। और आई होप आपने सिवाई सीखी होगी, सिवाई बहुत टेस्टी बनी थी, बहुत ही ज़्यादा। मज़हर ने खाया तो उनको बहुत ज़्यादा टेस्टी लगा था। मैंने सिवाई अभी तक नहीं चखी है और ना मैं खाऊंगी उसको, क्योंकि अगर मैं ये सब चीज़ें फिर से खाने लगूंगी तो मेरी जो पिछले हफ्ते की मेहनत है वो सब ख़राब हो जाएगी। तो मैं ये सोच के कुछ भी नहीं खा रही हूँ इस तरह का, सिर्फ मैं हेल्दी डाइट फॉलो कर रही हूँ ताकि मेरा वेट लॉस जल्द से जल्द हो। और अब मैं शॉपिंग करने के लिए एकदम रेडी हूँ, क्योंकि मुझे शॉपिंग करनी है, और किस चीज़ की शॉपिंग है वो मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी, बताऊंगी। तो मैं शॉपिंग करने कहाँ जाऊँगी आपको बताऊंगी, क्या ले रही हूँ वो भी आपको बताऊंगी। तो बस आई होप आपने सिवाई सीखी होगी, इसको ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत अच्छी बनती है। और सिवाई में जितना मेवा खोया होता है उतनी ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। तो बस इस व्लॉग को यहीं एंड करते हैं। आई होप आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा, व्लॉग अच्छा लगा हो लाइक और शेयर करिएगा, चैनल पर मैं सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी ना जाइएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड लव योरसेल्फ।